नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आप जैसे ही जीडीएस ज्वाइन करते हैं या अभी वैकेंसी आया जीडीएस का, तो आपके दिमाग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि जीडीएस जिस जॉब को हम ज्वाइन करने जा रहे हैं या जिसका हम फॉर्म फिलअप किया, क्या उसमें क्या फ्यूचर है, क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका सैलरी के बारे में कंसर्न होगा, प्रमोशन के बारे में कंसर्न होगा कि हमारा सैलरी कितना होगा, हमारा फ्यूचर किस तरह से, कहाँ पे हम स्टैंड करेंगे 10-15-20 साल के बाद। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे, जीडीएस प्रमोशन के बारे में बात करेंगे, जीडीएस टू एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड, एम पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, इन सब के बारे में बात करेंगे कि आपको कितने कितने साल तक सर्विस, कितना कहाँ पे सर्विस करना होगा, तब जाके आप कौन सा एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, अभी सैलरी का भी देखेंगे कि कितना बेसिक सैलरी किसमें क्या दिया जाता है। मान लेते हैं आप एक जीडीएस में ज्वाइन करते हैं और आपका लगभग 3 साल कंप्लीट हो जाता है पूरी तरह से, जैसे मान लो जनवरी टू जनवरी काउंट होता है, 1 जनवरी से लेके अगले 1 जनवरी तक 1 साल काउंट होता है। तो मान लो इस तरह से अगर आपका 3 साल कंप्लीट हो गया है, जनवरी टू जनवरी, जनवरी टू जनवरी, जनवरी टू जनवरी, या जुलाई टू जुलाई, जुलाई टू जुलाई, इस तरह से चलता रहता है। ठीक है, तो जो जनवरी में ज्वाइन करता है तो उन लोगों का जनवरी से स्टार्ट होता है, जो जुलाई में या उससे पहले ज्वाइन करता है तो उसका जुलाई से काउंट होता है। तो लगभग जनवरी से ही रखते हैं, जनवरी से अगर काउंट करना है तो 3 साल जब कंप्लीट हो जाएगा, तो 3 साल जब जीडीएस में रेगुलर सर्विस करेंगे तब जाकर के आप एमटीएस का एग्जाम दे सकते हैं। उसमें 3 साल आपका टोटल सर्विस होना चाहिए, आपका 10th क्लास स्टैंडर्ड 10th होना चाहिए, आपका एज 18 से 40 के बीच में रहना चाहिए, एजुकेशन वही 10th क्लास होता है, लेवल आपका रहेगा 1, एक लेवल पे आपका रहेगा। ठीक है, और बेसिक सैलरी आपका 18,000 रहेगा अगर आप एमटीएस बनते हैं तब। उसके बाद है जीडीएस, जो पोस्टमैन बनना चाहते हैं उन लोगों को 5 साल रेगुलर सर्विस करना पड़ेगा एज ए जीडीएस, फिर उसका एज है लगभग मैक्सिमम 50 साल तक आप एग्जाम दे सकते हैं। 10th स्टैंडर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th स्टैंडर्ड होता है और आपका लेवल 3 में रखा जाता है। ठीक है, 21,700 रुपया आपका बेसिक सैलरी बनेगा, बेसिक सैलरी, बेसिक पे 21,700 रहता है, 700 बेसिक सैलरी होता है। उसके अलावा ढेर सारे अलाउंसेज मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, उसके बाद डीए, ढेर सारी चीज़ होता है, तो अलग से, लेकिन बेसिक पे 21,700 रहता है पोस्टमैन का। फिर वैसा जीडीएस जो 17/6/2022 को ज्वाइन किया था, 17 जून 2022 से पहले जो भी जीडीएस ज्वाइन किया है, वो लोग अगर पोस्टल असिस्टेंट का एग्जाम देता है तो उन लोगों को रेगुलर 5 साल सर्विस करना पड़ेगा, 5 ईयर्स रेगुलर सर्विस होना चाहिए, तब जा करके वो पोस्टल असिस्टेंट के एग्जाम में बैठ सकते हैं, और मैक्सिमम एज 40 साल तक वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 12th एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th होता है और उसका लेवल 4 होता है और 25,500 उसका बेसिक पे रहता है। ठीक है, बेसिक पे 25,500, लेवल 4। ठीक है, 5 ईयर्स तक रेगुलर सर्विस करना पड़ेगा एज ए जीडीएस और मैक्सिमम जो है 40 साल तक वो दे सकता है एग्जाम। उसको कैटेगरी ग्रुप सी में रखा जाता है, यानी कि ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, ग्रुप ए और ग्रुप बी से जो छुटकारा मिलता है, ग्रुप सी वाले को उसमें प्रमोट किया जाता है। अभी आगे पता चलेगा ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी क्या होता है। उसके बाद देखिए जीडीएस जो 17/6/2022 को ज्वाइन किया है, यानी कि आप लोग, यानी 17 जून 2022 के बाद जो भी जीडीएस ज्वाइन किया है, उन लोगों को रेगुलर सर्विस 8 साल करना पड़ेगा, 8 ईयर्स कंप्लीट करेंगे तब जाकर के आप पोस्टल असिस्टेंट का एग्जाम दे सकते हो, और एज वही 40 साल रहता है, 12th क्लास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th रहता है, लेवल 4 रहता है, 25,500। ठीक है, सब कुछ वही है पोस्टल असिस्टेंट। उसके बाद देखो एमटीएस, जो एमटीएस पोस्टमैन बनना चाहता है तो उन लोगों को रेगुलर सर्विस 3 ईयर्स करना पड़ेगा, 3 साल रेगुलर सर्विस करोगे तब जाकर के एज ए पोस्टमैन आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर के पोस्टमैन बन सकते हो। उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th बेसिस पे है, लेवल 3 है, 21,700, जो कि जीडीएस में बताए थे कि जीडीएस से पोस्टमैन अगर बनोगे तो 5 साल आपको रेगुलर सर्विस करना पड़ेगा। और जो जीडीएस 17 जून 2022 के बाद ज्वाइन किया, उन लोगों का 8 साल था पोस्टल असिस्टेंट के लिए, और जो जीडीएस 17 जून 2022 से पहले किया, उन लोगों का रेगुलर सर्विस
5 साल था पोस्टल असिस्टेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्टमैन और पोस्टल असिस्टेंट का भी सर्विस 5 साल मांगा जा रहा है, बस यही है कौन साल ज्वाइन किया उसका डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद देखिए एमटीएस प्लस जीडीएस, वैसा जीडीएस जो जीडीएस था एमटीएस बना और वो पोस्टमैन बनना चाहता है तो वो 5 साल रेगुलर सर्विस उसमें देखा जाएगा, मतलब जीडीएस का भी सर्विस काउंट किया जाएगा और एमटीएस का भी सर्विस काउंट किया जाएगा, यानी 5 साल वही एक ही बात हुआ, इधर से कान पकड़ो किधर से बात वही बराबर हुआ, 5 साल रेगुलर सर्विस करना पड़ेगा और 12th उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th रहेगा, लेवल 3 रहेगा 21,700। उसके बाद देखिए जो एमटीएस पीए बनना चाहता है उसको कैटेगरी ए में रखा जाएगा और जो एमटीएस 5 साल रेगुलर सर्विस कर चुका है तो वो पीए का एग्जाम देगा और उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th रहता है, लेवल 4 रहता है, 25,500 उसका बेसिक पे रहता है। तो जो एमटीएस पीए बनना चाहता है उन लोगों को एमटीएस पोस्ट पे 5 साल रेगुलर सर्विस करना पड़ेगा, तब जाकर के वो पोस्टल असिस्टेंट में प्रमोट हो सकता है एग्जाम दे करके, उसको कैटेगरी ए में रखा जाएगा, यानी कि उसको कम नंबर भी आएगा तो पहले उसको सेलेक्ट करेगा, ठीक है, बाद में दूसरे को सेलेक्ट करेगा। उसके बाद देखिए जो पोस्टमैन है वो पीए बनना चाहता है उसको भी कैटेगरी ए में रखेगा लेकिन 3 साल रेगुलर सर्विस उसको करना पड़ेगा एज ए पोस्टमैन, फिर जाकर के वो प्रमोट होगा, वही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th ही रहता है, लेवल 4 रहेगा, पोस्टल असिस्टेंट का लेवल 4 रहता है और बेसिक पे 25,500 रहता है। उसके बाद देखिए पोस्टमैन प्लस एमटीएस अगर वो पीए बनना चाहता है उसको भी कैटेगरी ए में रखेंगे, उसका रेगुलर सर्विस 5 ईयर्स रहेगा, यानी कि जो एमटीएस है और पोस्टमैन भी बना है, पहले एमटीएस था बाद में पोस्टमैन बना और उसका रेगुलर सर्विस 5 ईयर्स डिपार्टमेंट में हो गया है तो वो लोग पोस्टल असिस्टेंट का एग्जाम दे पाएगा और उसको कैटेगरी ए में सेलेक्ट किया जाएगा, कैटेगरी ए का पोस्टल असिस्टेंट बनेगा, यानी कि उसको कुछ प्रिफरेंस दिया जाएगा, सबसे पहले उसी को सेलेक्ट करेगा कैटेगरी ए वाले को। तो उसका रेगुलर सर्विस 5 ईयर्स होता है, वही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सब 12th और हाईएस्ट एज कितना रहता है 40 साल तक रहता है और बेसिक पे 25,500। उसके बाद देखिए पोस्टमैन प्लस एमटीएस प्लस जीडीएस, इसका मतलब क्या हुआ, वैसा जीडीएस भी है पोस्टमैन भी बना एमटीएस भी बना, उन लोगों को पोस्टल असिस्टेंट में प्रमोशन लेना है तो वो लोग भी 5 साल रेगुलर सर्विस करेगा, उसको कैटेगरी बी में रखेगा, ठीक है, यानी कि जीडीएस एमटीएस पोस्टमैन, लेकिन यहाँ पे एमटीएस प्लस पोस्टमैन की बात कर रहे हैं, लेकिन जो डिपार्टमेंटल एमटीएस बना है तो वो पोस्टमैन बनेगा, उसके बाद उसका कैटेगरी ए में रखते हैं, 5 साल रेगुलर सर्विस होता है, लेकिन जो जीडीएस है प्लस एमटीएस बना प्लस पोस्टमैन बना तो उन लोगों को भी तो प्रमोशन लेना है पोस्टल असिस्टेंट में, जिसका लेवल 4 होता है, 25,500 रहता है, क्वालिफिकेशन 12th रहता है, तो उन लोगों को कैटेगरी बी में रखेगा, उसका रेगुलर सर्विस 5 ईयर्स रहता है, यानी जो जीडीएस था जो एमटीएस बना जो पोस्टमैन बना फिर उन लोगों का रेगुलर सर्विस टोटल सर्विस 5 ईयर्स कंप्लीट हो गया, यानी जीडीएस एमटीएस पोस्टमैन सब मिला करके, तो वो लोग भी लेवल 4 का एग्जाम दे सकते, पोस्टल असिस्टेंट एग्जाम देगा और उसको बेसिक पे 25,500 दिया जाएगा। फिर उसके बाद देखिए पोस्टल असिस्टेंट जो आईपीओ बनना चाहते हैं इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट बनना चाहता है उन लोगों को रेगुलर सर्विस 8 ईयर्स का रेगुलर सर्विस करना पड़ेगा, यानी कि पोस्टल असिस्टेंट कैडर में 8 साल रेगुलर ड्यूटी करेगा तब जाकर के वो पोस्ट तब जाकर के वो इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट का एग्जाम दे पाएगा और प्रमोट होगा। उसका मैक्सिमम एज है 45 साल तक वो फॉर्म फिलअप कर सकता है और उसको लेवल 7 में रखा जाएगा, यानी जो इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट होता है उन लोगों को उन लोगों का लेवल 7 होता है, यानी कि 44,900 उसका बेसिक पे रहेगा, ठीक है, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट का, जिस आप लोग का जो सब डिविजनल इंस्पेक्टर होता है जो जीडीएस होता है एमडीएस होता है उन लोगों का जो इंस्पेक्टर होता है, ठीक है, वही उन्हीं इंस्पेक्टर की बात कर रहे हैं, उन लोगों का लेवल 7 होता है, 7 लेवल पे उनको रखा जाता है, 44,900 बेसिक पे रहता है प्लस डीए टीए एचआरए सब अलग से होता है, ठीक है, लगभग 90,000-80,000 1 लाख बन जाता है बेस सब सैलरी मिला करके। उसके बाद देखिए जो आईपीओ रहता है इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट उन लोगों का अगर सुपरिटेंडेंट बनना रहता है, ठीक है, या असिस्टेंट डायरेक्टर बनना रहता है तो उन लोगों को 5 साल रेगुलर सर्विस करना पड़ेगा, यानी कि जो आईपी पोस्ट पे 5 साल रेगुलर सर्विस कर लिया है वो लोग का अगर सुपरिटेंडेंट अगर बनना है तो उन लोगों को 5 साल रेगुलर सर्विस करना पड़ता है। उन लोगों का लेवल 9 होता है, जो आप लोग का सुपरिटेंडेंट होता है इंस्पेक्टर सॉरी सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट या सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट जिसको बोलते हैं
यानी कि सुपरिटेंडेंट वो पोस्ट होता है, सीनियर सुपरिटेंडेंट तो यूपीएससी के थ्रू आता है, लेकिन कभी कभी इनको सुपरिटेंडेंट वो पोस्ट को सीनियर सुपरिटेंडेंट भी बना देते हैं, ठीक है, जब सीट वैकेंट रहता है। लेकिन इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट से अगर सुपरिटेंडेंट बनना है तो उन लोगों का रेगुलर सर्विस 5 ईयर्स होता है और लेवल 9 उनका रहता है और 53,100 उनका बेसिक पे रहता है। उसके बाद डीए टीए एचआरए ये सब जोड़ जाड़ के हाउस रेंट अलाउंस मेडिकल अलाउंस मिला जुला कर ढेर सारे सैलरी बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिक पे की बात कर रहे हैं। वैसे तो एमटीएस का बेसिक पे 18,000 है लेकिन सैलरी मिल जाता है 28-29-30 हज़ार। उसी तरह क्योंकि डीए बढ़ता है 18,000 का 50% डीए निकालोगे तो 9,000 तैसे हो जाता है। फिर टीए होता है एचआरए होता है सब जोड़ जाड़ 3-4 हज़ार एक्स्ट्रा रख लो तो कितना हुआ 31,000 से ऐसे हुआ, फिर डिडक्शन हुआ 3-4 हज़ार 27-28 हज़ार स्टार्टिंग सैलरी हो जाता है अभी करेंट 50% डीए के हिसाब से। फिर तो हर साल डीए बढ़ते रहता है, हर साल एनुअल इंक्रीमेंट लगता है, तो ढेर सारे सैलरी आप अर्न कर सकते हो। तो इस तरह का प्रमोशन स्ट्रक्चर होता है, प्रमोशन होता है साल, इस तरह से आपको रेगुलर सर्विस करना पड़ेगा और जिसका जिसका जो पे लेवल होता है उस तरह से आपको उस पे लेवल में काम करना पड़ेगा। इसलिए पूरा मेहनत कीजिए और मोटिवेटेड होकर डिपार्टमेंट ज्वाइन कीजिए और प्रमोशन मिलेगा। जो तैयारी करेगा, जो अच्छे से पढ़ाई करेगा, मेहनत करेगा, उन लोगों का प्रमोशन होता है, ठीक है। इसके लिए आपको सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए, ठीक है, सेल्फ मोटिवेटर रहना पड़ेगा। यानी कि जीडीएस में आ गए और डिमोटिवेट होके बंद चले गए, रिजाइन दे दिए, नहीं, आपको इधर रहना है। ढेर सारे प्रमोशनल सब कुछ मिलेगा सुविधा और बेसिक पे इस तरह से बढ़ता रहता है। एक्स्ट्रा और भी बहुत सारे काम होते हैं आप कर सकते हैं लिविंग के लिए, ठीक है। तो आई होप वीडियो में बहुत कुछ समझने का मौका मिला होगा। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे बात करने के लिए इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो चैनल का डिस्क्रिप्शन में जाकर के इंस्टाग्राम का लिंक है, जाकर के फॉलो कर लीजिए, वहां पे हम लाइव आते हैं 4-5 बजे, आप वहां पे ढेर सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।